क्वेश्चन बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का बात किया है तो हम पिछले मतलब 1.1 चैप्टर में पढ़े हैं कि यूक्लिड विभाजन यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़ा है ना, यानी कि यूक्लिड विभाजन होता क्या है इसको समझते हैं। यानी कि यूक्लिड विभाजन किसी भी दो पूर्णांक यानी कि मान लीजिए कोई पूर्णांक ए है और दूसरा का पूर्णांक कोई क्या है बी है, ये दोनों क्या है पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन यही बोलता है कि मतलब यही दो पूर्णांकों ए और बी के बीच एच सी एफ फाइंड करने का एक माध्यम होता है, एक तकनीक होता है, एच सी एफ परिकलित करने को बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि इसी का उपयोग करके, ठीक है, और जो भी ये पद दिया हुआ है उसको अगर पी एक्स में जी एक्स से भाग करते हैं तो उसको शेषफल और भागफल कितना आएगा, यही ना देखते हैं। इधर थोड़ा सा आ जाइए, ड्रॉप कर देते हैं थोड़ा सा इधर। यानी कि मान लीजिए कि ये कोई ऐसे भाग देते हैं ना भाग, यहाँ पर जो आता है भाग देने पर इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं ना, भागफल। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो आता है उसे क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं ना, सॉरी भाज्य बोलते हैं ना, भाज्य। यहाँ पर जिससे भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं ना, भाजक। तो इसको बोलते हैं हम पी एक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हम जी एक्स, ठीक है, इधर जो आता है उसको क्यू एक्स बोलते हैं, और जो नीचे आता है इधर का और यानी कि रिमाइंडर इसे यानी कि शेषफल इसे आर एक्स बोलते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं क्या, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, ये निकलते हैं। चलिए, यानी कि इसे क्या बोलेंगे हम, यानी कि पी एक्स इक्वल जी एक्स गुणे क्यू एक्स और प्लस रिमाइंडर यानी कि आर एक्स। ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर क्या करना है, यानी कि इसका यूक्लिड विभाजन के द्वारा इसका शेषफल और भागफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं हमारा पी एक्स कितना दिया है, यानी पी एक्स दिया हुआ है हमारा, यानी कि पी एक्स हमारा कितना दिया हुआ है, यानी कि एक्स दिया ना, एक्स के पावर क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जी एक्स कितना दिया है मेरा, यानी कि जी एक्स कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिएगा इधर, यानी कि एक्स के पावर स्क्वायर, यहाँ पर टू न होगा, एक्स लेते थे सॉरी, यहाँ पर टू। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पर भाग अब कैसे देना है। ठीक है, ये जितना भी पद दिया हुआ ना, भाग का मतलब ये होता है ना कि इसका पावर एक एक कम होता जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स क्यू में जब इस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, यानी कि कट करके वन एक्स आ जाएगा ना, यानी कि इस एक्स स्क्वायर में हम एक्स से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यू आ जाएगा। इधर भी देखते हैं कि यहाँ पर किस नम यानी किस अल्फ़ाबेट से मल्टीपल किया जाए इस एक्स स्क्वायर में, ताकि एक्स के पावर कितना आ जाए, क्यू आ जाए। तो अगर हम एक्स में एक्स स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या, एक्स के पावर क्यू आ जाएगा, और माइनस टू में जब एक्स से करेंगे तो टू एक्स आएगा ना, यानी माइनस टू गुणे एक्स करेंगे टू आएगा, माइनस टू एक्स आएगा ना। अब देखेंगे इसमें टू एक्स मतलब पद में कौन है, ये फाइव है ना, फाइव एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस टू एक्स, जो जैसा रहेगा उसी के सामने लिखेंगे, अब देखिए इसमें हम लोग बीजगणित का भाग बनाया ना, तो इसमें क्या करते हैं, यानी कि सिंबल चेंज कर देते हैं, यानी कि माइनस को प्लस में लिख देते हैं, प्लस वाले को माइनस में लिख देते हैं। इससे ई कट गया, इधर कितना बचा, यानी कि माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव और टू कितना, सेवन एक्स और प्लस फाइव। ठीक है, अब हम एक बात बताइए आप, यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर आया है, अब थ्री एक्स स्क्वायर में अभी तो बोले हैं ना कि भाग में इसका पावर कम होते जाता है, यानी कि इस एक्स स्क्वायर में
किससे गुणा किया जाए ताकि गुणा करने पर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि इधर एक्स स्क्वायर में अगर माइनस हम थ्री से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस थ्री से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तीन गुना छः। बात को समझ रहे हैं, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस, ई से ई कट गया, एक प्लस माइनस में है तो यहाँ सेवन एक्स आप प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस इसका तो वैल्यू ख़त्म, यानी कि माइनस वन। अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स के पावर वन, यानी कि पावर इसका कम हो गया है, यहाँ पर इसका पावर ज़्यादा है, इसका मतलब अब भाग नहीं लगेगा, आगे नहीं चलेंगे। और क्वेश्चन भी, क्वेश्चन ने भी हमसे यही बोला है कि उसका केवल देखिए यहाँ पर, यानी कि भागफल और शेषफल यानी कि रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ इसका कितना हो जाएगा, यानी कि शेषफल, शेषफल यानी कि आर एक्स कितना हो जाएगा हमारा, आर एक्स ये कितना आया है, सेवन एक्स माइनस वन, और हमारा कितना भागफल, भागफल हमारा जी एक्स, ये क्यू एक्स कितना आया है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा एन है भागफल कितना है, एक्स माइनस थ्री, यही दोनों याद करना था, हो गया।